Welcome to the student of class 10th. Today we are going to discuss the 8th chapter of your supplementary books, Footprint Without Feet, and the name of the chapter is the Hectagram. Okay, let's start. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. Ek young lawyer, ek vakil, ठीक है ना, एक कम उम्र का वकील एक गांव में किसी ओलिवर नाम के जो पर्सन है उसके लिए लीगल नोटिस लेके आता है, समन मिस अ लीगल नोटिस. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लिटकिंस. और एक बहुत ही फ्रेंडली हैक ड्राइवर का मतलब है कि हॉर्स कार्ट को, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला जो पर्सन है, ठीक है, उसको पूरे गांव में लुटकंस की तलाश में गोल गोल घुमाता है, ठीक है ना. डज ही फाइंड हिम, क्या उसे वह मिल पाता है, और हु इज लुटकंस, और लुटकंस कौन है. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स में कंप्लीट करने के बाद मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म में. मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, बहुत ही अच्छी फर्म में. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव. मुझे लीगल ब्रीफ यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्ट में नहीं भेजा जाता था, बल्कि टू सर्व समन्स यानी कि लीगल नोटिस के लिए भेजा, यानी कि लोगों को लीगल नोटिस देने के लिए मुझे भेजा जाता था. लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, जैसे कि एक सस्ते प्राइवेट जासूस की तरह मुझे ये काम सौंपा जाता था. आई हैव टू गो टू डर्टी एंड शैडी कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. और मुझे शहर के बहुत ही गंदे और शैडी और अंधेरे कॉर्नर पे, यानी कि भद्दे कोने कोने पे, सिटी के अलग अलग कोने पे अपने विक्टिम्स को, यानी कि जो पर्सन थे जिनको सम्मान देना था, उनके लिए मुझे जाना पड़ता है. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी, यानी कि कुछ मुझसे जो बड़े होते थे या मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते थे वो मुझे बीट भी दिया करते थे. ओके, आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइट ऑफ द सिटी लाइफ इज रिवील टू मी. और मुझे ये अनप्लीजेंट यानी कि नाखुश करने वाला कार्य, बिल्कुल मतलब मुझे ये नाखुश करने वाला कार्य, मैं इससे बहुत नफरत करता था. अनप्लीजेंट मीन्स नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग हैप्पी, ठीक है. एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इज रिवील टू मी, और इस तरीके से जो सिटी की जो लाइफ होती थी मेरे सामने ओपन होती थी कि किस तरीके से काम कितना बेकार है, कितना भद्दा है. आई इवन कंसिडर फ्लिंग टू माई होम टाउन, ठीक है. और मैं कभी कभार ये विचार भी करता था, कंसिडर मतलब विचार करना है, तो फ्लिंग का मतलब यहाँ पे होगा आपका रनिंग अवे, कि मैं अपने होम टाउन यानी कि अपने गाँव भाग जाऊं. वेर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहां पे कि मैं एक रियल लॉयर बन सकूं राइट अवे, बिल्कुल सही, विदाउट गोइंग थ्रू द अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, और बिना किसी इस ना खुश करने वाले ट्रेनिंग पीरियड को कम्प्लीट किए हुए बिना. ओके, नाउ सो आई रिजॉइस्ड वन डे वेन दे सेंट मी आउट 40 मील्स इन द कंट्री टू ए टाउन कॉल न्यू मिलियंस टू सर्व ए समन्स ऑन ए बस ऑन ए मैन कॉल ओलिवर लुटकंस. और इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, रिफ्रेश हुआ, रिलैक्स हुआ, रिजॉइस मीन्स फीलिंग हैप्पी, चीयर्ड, रिलैक्स. और एक दिन मैं बहुत ही खुश हुआ जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर एक कंट्री में भेजा, एक शहर में भेजा, न्यू मिलियन कहे जाने वाले शहर में भेजा, टू सर्व ए समन ऑन ए मैन कॉल ओलिवर लुटकंस, ओलिवर लुटकंस कहे जाने वाले एक आदमी को लीगल नोटिस देने के लिए. ओके, मीन्स द यंग लॉयर हैज बीन गिवन ए वर्क टू समन टू सर्व ए समन टू ए पर्सन नेम एज ओलिवर लुटकंस टू ए न्यू टाउन नेम एज न्यू मिलियन. वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स. हमें इस आदमी की यानी कि जो ओलिवर लुटकंस के लिए जिसके लिए जो लॉयर समन्स लेके जा रहा है उसकी जरूरत इसलिए थी एज ए विटनेस एक गवाह के तौर पे थी किसी लॉ केस के लिए. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल द लेटर्स, और क्योंकि उसने सारे लेटर्स यानी कि कोर्ट की तरफ से जो भी उसको लेटर्स मिले थे उसने सारे लेटर्स इग्नोर कर दिए थे. दैट्स वाई इट इज द फाइनल प्रोसीजर ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, दैट्स वाई ही हैड गिवन अ लीगल नोटिस. ओके, नाउ When I got to the new million, my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. जब मुझे न्यू मिलियंस में जाने का मौका मिला, ठीक ना, जब मैं न्यू मिलियंस में पहुंचा
गया, मैं ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्वीट, यानी कि मेरी बहुत ही ईगर, मेरी मतलब उत्सुक उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन उम्मीदें थी कि वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छा और सिंपल कंट्री विलेज होगा, जो कि बाद में मैं जिसके लिए कि मैं बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हुआ, यानी कि मैं बहुत ही हताश हुआ. इट्स स्टीप रिवर ऑफ मर्ड विद द रो ऑफ, उसकी जो गलियां थी वो मिट्टी की नदियों से भरी हुई थी, यानी कि हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी. विद द रो ऑफ वुडन शॉप, उसके चारों ओर यानी कि उसके कोनों पे लकड़ी की दुकानें थी ना, लकड़ी से बनी हुई दुकानें थे. इधर पेंटेड शॉप राउंड, कहीं पे हल्का भूरे रंग से, मतलब हल्का भूरा रंग किया हुआ था और कहीं पे बिल्कुल ही पेंट नहीं किया हुआ था. द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. और जो एग्रीबल साइट, यानी कि एक वही साइट थी, एक वही दृश्य था जिसको कि मैं एक्सेप्ट कर सकता था, जिसको कि मैं मंजूर कर सकता था, यानी कि जो मुझे अच्छा लग रहा था, उस जगह पे सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास एक डिलीवरी मैन. ओके, डिलीवरी मैन मीन अ पर्सन हु यूज टू रन अ कार्ट, यानी कि जो बैलगाड़ी चलाता, घोड़ा गाड़ी चलाता है. ठीक है, वी ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल. वह 40 साल का था, उसका लाल रंग का चेहरा था, बहुत ही खुशनुमा था और वो 20 से मोटा था, यानी कि वो थोड़ा मोटा पर्सन था. हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल बोन एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर्स. उसके जो काम करने वाले कपड़े थे काफी गंदे हो गए थे, उसने काफी अच्छे तरीके से उन्हें पहना था और उसका जो बिहेवियर था, ठीक है ना, बहुत ही फ्रेंडली था. You felt at once that he liked people. और एक आप एक बार में महसूस कर पाएंगे कि वो लोगों को बहुत पसंद करता था. I told him to find a man named Oliver Lutkins. मैं चाहता हूँ, I told him, मैंने उसे बताया कि मुझे एक आदमी की तलाश है, Oliver Lutkins नाम के आदमी की तलाश है. Okay, Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Lutkins, अब यानी कि जो हेड ड्राइवर है, यानी कि हेड ड्राइवर का मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, वो बोलता है, आई सा हिम, मैंने उसको कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, यानी कि एक घंटे पहले ही देखा है. हार्ड फेलो टू कैच द ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. ठीक है ना, हार्ड फेलो यानी कि बहुत ही चालाक आदमी है, इसको पकड़ना बहुत ही चालाकी वाला काम है. हार्ड फेलो बहुत ही मुश्किल काम है. ठीक है, ऑलवेज अप टू समथिंग टू अदर्स, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर्स, ये हमेशा किसी न किसी से भागता रहता है. ओके, ही प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फिश शॉप. और संभवतः यानी कि शायद, प्रोबेबली में शायद, वह फ्रिज शॉप है, फ्रिज किसी पर्सन का नाम है, उसकी शॉप के पीछे पोकर के गेम को स्टार्ट कर रहा होगा, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होगा. यानी कि पोकर इज एक कार्ड गेम, ताश के पत्तों का एक गेम होता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो नरेटर वो इंडिकेट करना चाहता है कि शायद जो पर्सन है, यानी कि ओलिवर लुटकिंस जिसकी तलाश में वो आया है, फ्रिज नाम का कोई पर्सन है, उसकी जो शॉप है उसके पीछे वो पोकर का गेम स्टार्ट कर रहा होगा. आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस. मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा लड़के, बिकॉज हियर द हेड ड्राइवर इज एट द एज ऑफ 40 एंड द लॉयर इज यंग, दैट्स व्हाई ही नरेट कॉल हिम एज अ बॉय. कि आपको इतनी जल्दी क्यों है लुटकिंस का पता लगाने की या ढूंढने की. यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. अब इस पे जो यंग लॉयर है वो कहता है कि मुझे आफ्टरनून की जो वापस वाली ट्रेन है, यानी कि दोपहर की जो, दोपहर बाद जो वापस जो ट्रेन जाएगी शहर के लिए, मुझे उसे पकड़ना है. आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इसके बारे में कुछ चीजें बहुत ही गुप्त है. आई विल टेल यू वर्ड, मैं तुम्हें बताता हूँ. आई हैव गॉट अ हैक. ठीक है ना, यानी कि आई विल टेल यू वर्ड, मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें चाहिए. आई हैव गॉट अ हैक, यानी कि मेरे पास एक बैलगाड़ी है और घोड़ा गाड़ी है. आई विल गेट इट आउट एंड वेन वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड लुटकिंस. की आई विल गेट इट आउट, मैं से लेके आता हूँ और उसके बाद हम दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढेंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग आउट, मैं जानता हूँ कि किस किस जगह पे ज्यादातर रहता है. हैंग आउट का मतलब साइड, कहाँ कहाँ पे वो होता है. ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वह इतना ओपन और फ्रेंडली था दैट आई ग्लोड विद द वार्म्थ ऑफ हिज अफेक्शन, कि मैं उसके स्नेह से भर गया.
ठीक है ना, उसके स्नेह से मैं भर गया, उसके स्नेह से मैं बहुत खुश हुआ। आई न्यू, मैं जानता था ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, कि वो मुझसे कुछ काम चाहता है, बट हिज काइंडनेस वॉज देयर, लेकिन उसकी जो दयालुता थी या उसका जो दयालुपन था वो बहुत ही सच्चा था। आई वॉज ग्लैड दैट द फेयर मनी वुड गो टू द गुड फेलो, और मैं ये इस बात से बड़ा खुश था कि फेयर मनी मतलब जो रेंट होगा, यानी कि जो गाड़ी का हैक का जो रेंट होगा वो एक अच्छे आदमी के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, और मैं उसके साथ बार्गेन करने पे, यानी कि बार्गेन का मतलब सौदा करने के लिए, मैंने उसे $2 प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे के $2 के अकॉर्डिंग उसके साथ मैंने सौदा किया। एंड देन ही ब्रॉट From his house nearly a sort of large black box on lead, और तब वो अपने घर से एक बड़ा सा काले रंग का बॉक्स लाया व्हील के ऊपर, यानी कि we can say this portion, ठीक है ना, ये वाला portion लेके आया व्हील के ऊपर, इसने ये portion रखा है, ठीक है ना, जिसमें कि जो passengers बैठते हैं। Well, young man, here's the carriage. ही रिमार्क, उसने कहा कि यंग मैन देखो ये कैरेज है, यानी कि ये अब इस पे आप बैठेंगे, ठीक है ना। एंड हिज वाइल्ड स्माइल मेड मी इनटू द ओल्ड फ्रेंड, और उसकी जो अच्छी से एक चमकदार मुस्कान थी उसने मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद दिला दी, या उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। दीज विलेजर आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर, ये जो गांव के जो लोग हैं किसी अजनबी की हेल्प करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, कितने तैयार रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, और इसने मेरे लिए ही ओलिवर लुटकिंस को पाना अपना काम समझ लिया। मीन्स यहाँ पे जो हेल्प ड्राइवर है वो जो यंग लॉयर उसकी मदद करता है, और इस तरीके से चीजों को टारगेट करता है कि उसे लगता है, यानी कि लॉयर को लगता है कि अब ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम मेरा नहीं बल्कि जो हेल्प ड्राइवर है उसने अपना काम भी बना लिया है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो, मैं आपकी बातों के बीच में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा, ठीक ना, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, लेकिन मेरा अनुमान है कि आपको लुटकिंस से कुछ पैसे लेने होंगे। ही नेवर पे एनी बट एक सेंट, यानी कि वो कभी भी किसी के पैसे नहीं देता है। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट ऑन ए पोकर गेम, ठीक है ना, उसने मुझसे भी 50 सेंट लिए हैं पोकर गेम में, पोकर मीन्स कार्ड गेम में उसने मुझसे भी 50 सेंट उधार लिए हैं। आई वॉज फूल, मैं मूर्ख था इनफ टू पे हिम विद, कि जिस मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया। ही नॉट रियली बैड, वो वास्तव में इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन जब पैसे की बात होती है, ठीक है ना, इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर आप उनसे वो कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम पैसे की बात करें और अगर आपको वो पैसे ओलिवर लुटकिंस से कलेक्ट करने हैं इन दोज फैंसी क्लॉथ, ठीक है ना, इन दोज फैंसी क्लॉथ, अगर आप इन फैंसी क्लॉथ में, यानी कि इन चमकदार कपड़ों में उसको उसके पास जाते हो, ही विल बी सस्पिशियस, उसको आप पे बहुत ही डाउट होगा, संदेह होगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, वो आपसे भाग जा रहा है, यानी कि आपके पास नहीं आएगा। इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू द फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, अगर आप चाहें तो मैं फ्रिज की शॉप में जाता हूं और उससे पूछता हूं, उसके बारे में पूछता हूं। ओके, तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव टू लर्न वन थिंग्स दैट फर्स्टली द हेड ड्राइवर गोज टू द फ्रिज शॉप। ओके, वन बाय वन आई रिमाइंड ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर्स। फर्स्टली, पहली बार जो हेड ड्राइवर है वो फ्रिज की शॉप में जाता है, ठीक है ना, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ द साइट, और आप बाहर से मेरे पिक्चर्स पे नजर रख सकते हैं। आई लव हिम फॉर दिस, मुझे उसके लिए बहुत प्यार आया, मतलब इस चीज के लिए बहुत प्यार आया। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर फाउंड लुटकिंस, क्योंकि मैं खुद कभी भी लुटकिंस को नहीं ढूंढ सकता था। विद द हेड ड्राइवर नोइंग हेल्प, बिना, ठीक है, बिना हेड ड्राइवर की मदद के। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, मैं बड़ा निश्चित था कि मुझे मेरा आदमी मिल जाएगा, मीन कि मुझे मेरा ओलिवर लुटकिंस मिल जाएगा, ताकि मैं उसे अपना लीगल संबंध देके वहां से अपने शहर जा सकूं। आई टुक हिम इन टू द कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन ऑन लुटकिंस। अब यहाँ पे जो नरेटर, यानी कि जो यंग लॉयर है, वो हेल्प ड्राइवर को बोलता है, अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे आई वॉन्टेड टू सर्व, कि मुझे लुटकिंस को एक लीगल नोटिस देना है। That the man has refused to be witness, क्योंकि उस आदमी ने witness बनने से refuse कर दिया था, ठीक है ना। When his information had quickly settled our case,
ठीक है ना, और उसकी ये इन्फॉर्मेशन से हमारा जो लीगल केस है, जो केस है कोर्ट में, ठीक है ना, वो क्विकली सेटल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. द ड्राइवर लिसन अननेसली, ठीक है ना, यानी कि ड्राइवर का मतलब क्या है, ड्राइवर बड़े ही अननेसली यानी कि सिंसियरली से सुन रहा था, अननेसली का मतलब सिंसियरली. एट द एंड ही हिट मी ऑन माई शोल्डर एंड लव, और अंत में उसने मेरे कंधे पे हल्का सा हिट किया और हंसा. वेल वी विल गेट गिव ब्रदर लिटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, कि आओ हम जो लिटकिंस ब्रदर है यानी कि ओवर ओलिवर लिटकिंस को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, आओ हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मोस्ट फोक अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नसन, यानी कि ज्यादातर फोक मीन्स लोग यानी पीपल, मेरे आसपास के ज्यादातर लोग मुझे बिल कहते हैं या मैग्नसन कहते हैं. तो हियर इज द सेकेंड नेम, यू कैन से द नेम ऑफ इमेजिनरी नेम ऑफ हेड ड्राइवर द बिल और मैग्नसन. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टन हैकिंग, और जो मेरा बिजनेस का जो नेम है, ठीक है ना, वो क्या है, विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, यानी कि सामान को यहां से वहां ले जाने वाले, सवारियों को यहां से वहां ले जाने वाले विलियम मैग्नसन. ओके, और राइट बिल, ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फिज, चलो हम फिज के पास चले. यस यस, लुटकिंस इज जस्ट अ लाइकली टू बी देयर एनीवेयर, हाँ लुटकिंस वहां पे अवश्य ही होगा. प्ले अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत प्ले पोकर खेलता है, बहुत कार्ड गेम खेलता है. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, वह लोगों को धोखा देने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माहिर है. डिसीविंग मीन्स टू चीट समवन. बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, यानी कि बिल, ठीक है ना, लुटकिंस की जो बेमानी है उसकी इस कला के लिए बड़ा ही उसकी बहुत प्रशंसा करा था. यानी कि बिल ये बोला था कि भाई इतना धोखेबाज है वो, ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या बोले, कि वो किसी के पैसे नहीं देता और कहीं भी वो भाग जाता है. तो यहाँ, ठीक है, तो बिल के जब ये वर्ड निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसकी बेमानी के जो कला है, बेमानी के लिए बहुत तारीफ कर रहा है. आई फेल दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, और इस पे जो यंग लॉयर है वो सोचता है कि मुझे लगता है कि अगर बिल एक पुलिसमैन होता, ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली, कि वो लुटकिंस को बड़े ही आदरपूर्ण तरीके से पकड़ता एंड जेल डिंग विद रिग्रेट, और बड़े ही अफसोस के साथ उसे जेल में डालता. ओके, रिग्रेट मीन्स अफसोस. बिल लाइक मीट इन टू द फ्रिज, ठीक ना, बिल मुझे फ्रिज की शॉप में ले गया. हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टूडे, क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है. फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं. मतलब बिल फ्रिज के शॉप में जाके ये बोलता है कि क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा है, उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है. सेड बिल चीयरफुली, बिल ने खुश होते मुस्कुराते हुए कहा. फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज ने मुझे देखा. हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छुपते हुए. He hesitated and then admitted, वह हिचकिचाया और उसने फिर कहा, Yes, he was in here a little while ago. वह कुछ देर पहले यहाँ पे था. Guess he gone over to Gustav to get a shape. मेरा अनुमान है कि वो Gustav की शॉप में से बनाने गया होगा. तो dear students, Gustav is the second person. First one is the fridge shop, where he has been playing for the poker games. Second was a Gustav, he is a barber, and somehow he Bill and the narrator, the young lawyer is pretending that he has gone for the shaving. Okay, तो Gustav के यहाँ पे यानी कि fish का जो owner था, fish shop का जो owner था, वो बोलता है मेरा अनुमान है कि Gustav के shop में वो shave करने गया होगा. तो first किसके shop में वो गया, first fish के shop में गया, second Gustav के shop में गया. Okay, now, well if you come in, tell him I am looking for him. अगर वो तुमसे मिलता है, अब यहाँ पे फ्रिज क्या बोलता है, तुमसे मिलता है तो उससे बोलना कि मैं भी उसको ढूंढ रहा था, ठीक है ना. वी ड्रॉप टू द Gustav बार्बर शॉप, हम Gustav Gustav नाई की दुकान में गए. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, दोबारा से बिल आगे गया. एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, लिंगर्ड का मतलब वेटेड अराउंड, और मैं दरवाजे पे इंतजार करता रहा. ठीक है, लिंगर्ड मीन्स waited around. He asked not only the Swede but two customer if they had seen Lutkins. उसने न केवल स्वीडी से कहा, स्वीडी मीन्स नेटिव ऑफ
स्वीडन, इनके स्वीडन के जो निवासी इनको स्वीडी कहा जाता है, तो उन्होंने वहां के जो लोकल नेटिव्स थे, वहां पे जो लोकल लोग रहते थे उनसे पूछा था ना, मतलब उनसे नहीं, उनके साथ साथ उसने दो कस्टमर से भी पूछा कि क्या उन्होंने इसको देखा है। द स्वीडी हैड नॉट, स्वीडी ने कहा उन्होंने नहीं देखा है। ही सेड एंग्रीली, उसने बहुत गुस्से से कहा, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, एंड डोंट केयर मी, जो कस्टमर थे उन्होंने क्या कहा कि मैंने उसको नहीं देखा, ठीक है ना, और डेंट, और मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। किसकी परवाह नहीं करता हूँ मैं? ओलिवर लुटकिंस की परवाह नहीं करता हूँ। बट इफ यू फाइंड हिम, यू कैन जस्ट कलेक्ट, कैन जस्ट कलेक्ट $35 ही ओज मी। लेकिन अगर वो आपको मिलता है तो आप मेरे $35 उससे ले लें जो कि उसने मुझसे उधार लिए थे। ओके, तो हियर इज अ केस ऑफ अदर चीट, यू कैन से दैट कि ओलिवर लुटकिंस ने यहां से भी किसी से पैसे लिए और जो कस्टमर है उस हेल्प ड्राइवर के बिल को कहता है कि अगर आपको वो मिले तो मेरे $35 है, वो भी ले लीजिए। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड बीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, उनमें से एक कस्टमर ने सोचा कि लुटकिंस शायद मेन स्ट्रीट की तरफ गया है, दिस साइड ऑफ द होटल, जो कि होटल की तरफ है, यानी कि मेन रोड पे होटल की तरफ गया है। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, और जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठे, घोड़ा गाड़ी में बैठे, बिल ने कंक्लूड किया, यानी कि बताया, दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गस्टाफ, ही हैड प्रोबेबली गोन टू क्रे फॉर अ स्टे, थी ना कि शायद, थी ना, यानी कि कंक्लूड मतलब उसने एक अंदाजा लगाया, थी ना, एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूडिंग मीन्स निष्कर्ष निकाला कि शायद लुटकिंस का गस्टाफ की शॉप में क्रेडिट यानी कि उधार बंद हो गया होगा, या उसका उधार काफी बढ़ गया होगा, और इस वजह से वो ग्रे की शॉप में गया होगा सेफ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हियर इज द थर्ड शॉप, फर्स्ट शॉप इज फ्रिज शॉप, सेकंड इज गस्टाफ शॉप, एंड थर्ड वन इज ग्रे शॉप, ही इज आल्सो ए बार्बर। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, और ग्रे जो बार्बर थे उनकी शॉप में हमने लुटकिंस को 5 मिनट पहले ही मिस किया, यानी कि 5 मिनट पहले ही जो ओलिवर लुटकिंस था वहां से चला गया। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो जस्ट अभी निकला प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो पूल रूम की तरफ गया है। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, और पूल रूम में जब हम पहुंचे तो ऐसा लगा कि जस्ट उसने वहां से कुछ सिगरेट के पैक्स लिए, सिगरेट के पैकेट लिए, और वहां से चला गया। सो वी परस्यूड हिम, और फिर हमने उसका पीछा किया, चेस किया, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग, हम हमेशा उसके पीछे थे, हम उसको कभी पकड़ ना पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट वन ओ क्लॉक, ठीक है ना, कि काफी टाइम बाद, ठीक है ना, वन आवर यानी कि एक बज गए थे, दिन के एक बज गए थे। आई वॉज हंग्री, मैं काफी भूखा था, बट आई हैव सो इंजॉयड बिल्स ऑफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केयरली केयर वेदर आई फाउंड लुटकिंस ऑर नॉट, लेकिन मैं बिल के रफली, अपने रफली का मतलब, रफ का मतलब है कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से रूरल यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की सलाह, ठीक है ना, मतलब गांव में रहने वाले देहाती लोगों की सलाह, ओपिनियन में सलाह, अब गांव के जो उसके पड़ोसी थे उनके बारे में सलाह, यानी कि मैं बिल के अपने नेबर यानी कि उसके पड़ोसियों के बारे में उसकी जो सलाह थी, ठीक है ना, देहाती सलाह थी, उसको एंजॉय करने लगा, मतलब उसकी बातों में खो गया। दैट आई स्केयरली केयर्ड कि मुझे मुश्किल से याद हो पाया कि मैं वेदर आई फाउंड लुटकिंस ऑर नॉट, कि मुझे लुटकिंस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ओके, नाउ हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, अब कुछ खाया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यंग जो लॉयर है वो बोलता है कुछ खाया जाए कि मुझे भूख लगी हुई है और कुछ हमें कुछ खाना चाहिए। आई सजेस्ट, मैंने सुझाव दिया, लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बॉय यूर लंच, आओ हम रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए भी लंच लूंगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, अब यहाँ पे जो बिल है वो बोलता है मुझे घर पे अपनी वाइफ के यहाँ, मतलब मुझे घर पे जाना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी वाइफ घर पे वेट कर रही है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, मुझे इन रेस्टोरेंट की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर बैड, केवल 4 हैं और सभी के सब बेकार हैं, बैड मीन्स बुरे हैं। टेल यू वट वी विल डू, तो मुझे बताओ हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ,
वी विल गेट द वाइफ टू पैक अ लंच फॉर अस. हम जाते हैं और मैं अपनी वाइफ को भी कहूंगा कि वो हमारे लंच पैक कर ले. शी वोंट चार्ज यू मोर देन हाफ ए डॉलर. और तुमसे हाफ यानी कि 50 सेंट ही लेगी, ठीक ना, आपसे हाफ डॉलर से ज्यादा अमाउंट नहीं लेगी. इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन रेस्टोरेंट. और ये तुम्हारा रेस्टोरेंट में बहुत ही ऑयली फूड है, ग्रीसी मीन्स ऑयली डर्टी फूड है, इससे काफी कम कॉस्ट होगी, ठीक ना, काफी अच्छा खाना होगा. एंड वी विल गो अप टू द वेल्ड हिल्स एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट. और हम वेल्ड हिल्स भी जा सकते हैं. वेल्ड हिल्स मीन्स अ नेम ऑफ ए हिल, ठीक ना, हम वेल्ड की पहाड़ियों पे जा सकते हैं और वहां पे हम उस व्यू को, पहाड़ियों के व्यू को एंजॉय करेंगे जब हम खा रहे होंगे. ओके, नाउ आई नो दैट बिल हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव. मैं जानता था कि बिल का मेरी इस तरीके से मदद करना, ठीक ना, बिल का एक यंग फेलो, एक नए यंग जवान लॉयर की मदद करना जो कि शहर से आया था, केवल भाईचारे का प्यार नहीं था, मीन्स ब्रदरली लव नहीं था, सिर्फ भाईचारा नहीं था. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, बल्कि मैं उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग पे भी कर रहा था, ठीक ना. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर्स एट वट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस, ठीक ना. और एट द एंड अंत में मैंने उसे 6 घंटों के लिए पे किया, 6 आवर्स के लिए पे किया, जो कि उसने डिसाइड किया था कि 1 आवर्स के वो $2 बिल को देगा, इंक्लूड जिसमें कि उसने लंच आवर को भी काउंट किया. एट वट वॉज देट वाई हाई प्राइस, जिसकी वजह से कि उसका काफी प्राइस हाई था, ठीक है. बट ही वॉज नॉट मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था, ठीक है ना. अब यहाँ पे जो यंग लॉयर बोल रहा है कि जो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया 6 आवर, इसमें कि लंच आवर को भी इंक्लूड किया गया, मुझे उसको पे करना था, जो कि एक बड़ा अमाउंट था, $12 का अमाउंट था. मगर वो बोलता है कि मैं वो मेरे से ज्यादा भी बेईमान नहीं है. आई चार्ज द होल थिंग्स टू द फर्म, मैं इन सभी चीजों के लिए फर्म को चार्ज दूंगा, यानी कि आई चार्ज, यानी कि ये सब चार्ज मेरे लिए फर्म देगा जिस कंपनी से मैं आया हूं. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माइसेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. लेकिन उसके साथ रहना और पे करना, यानी कि उसके साथ रहना इतना अच्छा था कि उसके लिए मैं खुद भी पे कर सकता था. Myself to have his presence, कि उसके साथ रहना हो तो मैं खुद भी पे कर सकता था. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick for the city. उसका cheerful country wisdom यानी कि उसका बहुत ही खुशनुमा, ठीक है ना, अपने एरिया को लेके जो उसकी जो सोच थी, उसकी जो बुद्धि थी, यू कैन से उसकी समझदारी थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, बहुत ही एनर्जेटिक थी एक कंट्री बॉय के लिए, एक कंट्री बॉय के लिए, मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए जो कि सिटी की लाइफ से बहुत थक चुका था. एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, हम पहाड़ी के सबसे ऊपर बैठ गए थे. लुकिंग ओवर द पास्चर एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, he talked of new millions and painted a pictures in words of all the people in it. Okay, as we said, जैसे कि हम पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पे बैठे हुए थे, जिससे कि हम पाश्चर का मतलब लैंड, ग्रास लैंड, घास के मैदानों को देख रहे थे, क्रीक स्ट्रीम्स यानी कि झरनों को देख रहे थे जो कि पेड़ों के बीच में से आ रहा था, यानी कि पेड़ों के बीच में से बह रहा था. He talked of new millions, उसने न्यू मिलियंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल, और उसमें साथ के साथ उसने न्यू मिलियंस में रहने वाले लोगों के बारे में एक एक करके उनकी पिक्चर्स ड्रॉ की. पिक्चर्स ड्रॉ का मतलब एक एक करके उनके लाइफ स्टाइल, उनके बारे में बताया, उनके बारे में नरेट किया. ही नोटिस एवरीथिंग, उसने हर एक चीज को नोटिस करता था. बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लव एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर पॉलिसी. मगर इस बात का बिल्कुल भी हम नो मैटर हाउ मच ही माइट लव, ठीक ना, इस बात का इतने मायने नहीं कि वो लोगों पे कितना हंसता था, ठीक है ना, मतलब लोगों की बातों पे कितना असर था. ही आल्सो अंडरस्टूड, यानी कि वो उन लोगों को भी समझता था और उनकी बेवकूफियों के लिए उन्हें माफ भी करता था. मीन्स यहाँ पे बिल की एक क्वालिटी थी कि वो लोगों की हरकतों पे तो हंसता था, मगर साथ के साथ वो उनको समझता भी था और साथ के साथ उनकी जो बेवकूफियां, जो फुलिशनेस है, उसके लिए उन्हें माफ भी कर देता था. ही डिस्क्राइब सम ऑफ द इंसिडेंट, ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर वाइफ हू सेंग द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेप्थ. उसने बताया कि किस तरीके से जो मिनिस्टर की जो वाइफ है, ठीक है ना,
जब वो बहुत बड़े कर्ज में थी, डेफ्ट का मतलब कर्ज में थी, तो वो चर्च में बहुत तेजी से गाना गाती थी, बहुत लाउडली गाना गाती थी, ठीक ना। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फ्रांसिस, वह साथ के साथ उन बॉयज पे भी, उन लड़कों पे भी कमेंट करता था जो कि अपने कॉलेज से आते थे अपने फैंसी ड्रेस में, फैंसी ड्रेस क्लॉथ्स में आते थे, बहुत ही अलग अलग फैशन वाले कपड़ों में आते थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. और उसने एक लॉयर के बारे में बताया। तो यहाँ पे तीन इंसिडेंट बताए गए हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो एग्जाम्पल उसने दिया कि मिनिस्टर वाइफ का, किस तरीके से मिनिस्टर की वाइफ ने चर्च में बहुत जोर से गाना गाया जब वो काफी डेप्ट, मतलब डेप्ट में, यानी कि कर्जे में थी, यानी कि गॉड से उसने प्रे की। सेकेंडली वो बॉयज के बारे में भी कमेंट करता था जो कि कॉलेज से आते थे, अलग अलग फैशंस के कपड़े पहनते थे। और थर्ड वो एक इंसिडेंट बताता कि किस तरीके से जो लॉयर की जो वाइफ है वो कभी भी सक्सीड नहीं हो पाई, कभी भी सफल नहीं हो पाई अपने हस्बैंड के लिए कि वो कॉलर और टाई एक साथ लगा सके सेम डे पे। मीन्स वो लॉयर की जो वाइफ हमेशा इस बात की कोशिश करती कि उसके हस्बैंड यानी कि लॉयर कॉलर और टाई को एक साथ लगाए, मगर ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो ये दीज आर द लिटिल बिट एक्टिविटीज एंड इंसिडेंट दैट द बिल नरेट टू द यंग लॉयर, यू कैन से। एंड ही मेड देम ऑल लाइव, और उसने इस तरीके से उन सारी चीजों को बताया कि जैसे कि वो बिल्कुल सामने ही होने, सजीव कर दिया उन चीजों को। ऑन दैट डे, उस दिन आई केम टू नो न्यू मिलियंस बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर, और उस दिन मैं समझ पाया कि न्यू मिलियंस वाकई एक बेहतर जगह है, सिटी की कंपेरिजन में एक बेहतर जगह है, एंड टू लव इट बेटर, और मैं इसे और भी ज्यादा चाहने लगा। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज, कॉलेज एंड सिटीज, बिल कॉलेज और सिटीज यानी कॉलेज और सिटीज के बारे में इतना नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रेवल अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन वो अलग अलग देशों में ट्रेवल कर चुका था, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब, और काफी जॉब भी कर चुका था, नौकरियां भी कर चुका था। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड बॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, ही स्ट्रेंथन्ड मी, और अपने इस फिलोसफी में उसका इतना विश्वास था, उसका एक विश्वास था फिलोसफी में, बिलीव कि जितना हम सिंपल रहेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, ठीक है ना, मतलब उसकी फ्रॉम हिज एडवेंचर, यानी कि अपने जितने भी साहसिक कार्य, जितने भी उसने काम किए अपनी लाइफ में, उसने उसको एक बिलीफ दिया, ठीक है, किसी का बिल्कुल सिंप्लिसिटी यानी कि बिल्कुल सामान्य रहना और बहुत मुस्कुराते हुए रहना। ही स्ट्रेंथन मी, जिसने कि मुझे और भी पॉजिटिव कर दिया, यानी कि स्ट्रेंथन कर दिया, स्ट्रेंथन का मतलब है कि मुझे और भी कॉन्फिडेंट कर दिया। We left that peaceful scene of the meadow and woods and resume our search of Oliver Lutkins. अब हम वहां से उस पीसफुल, उस शांतिपूर्ण दृश्य से दूर हो गए, ठीक है, वो छोड़ दिया। कौन सा दृश्य छोड़ दिया ना, जिसमें कि हमें शांतिपूर्ण दृश्य किसी इसका, मीडो का मतलब मैदान और वो उसमें जंगल, जंगल और मैदान, क्योंकि हम आसपास बैठ के वो देख रहे थे, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। एंड रिज्यूम अवर सर्च फॉर ओलिवर लुटकिंस, और वो दोबारा से ओलिवर लुटकिंस की तलाश करना शुरू कर दिया, ठीक है। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। एट लास्ट बिल का कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और अंत में बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड को कॉर्नर में लिया, कॉर्नर में फोर्सफुली पूछा, ठीक है, आई मेड हिम टू एडमिट, उससे पूछा कि वो उसका क्या अनुमान है, व्हाट ही गेस्ड, उसका क्या अनुमान है। ओलिवर गोन आउट टू हिज मदर फार्म 3 माइल्स नॉर्थ, ओलिवर अपनी मदर के फार्म में गया होगा जो कि 3 मील दूर नॉर्थ में है। वी ड्रॉप आउट देयर, हम वहां पे गए लेइंग प्लांस, ड्रीप आउट देयर लेइंग प्लांस, यानी कि हम वहां की ओर रवाना हुए, प्लान करते हुए कि किस तरीके से हम ओलिवर लुटकिंस को पकड़ेंगे। आई नो ओलिवर लुटकिंस मदर, मैं ओलिवर लुटकिंस की मदर को जानता हूँ, शी इज अ टेरर, बहुत ही भयानक है। बिल साइड, बिल ने आह भरी। आई टुक ए ट्रंक आउट ऑफ देयर फॉर हर वंस एंड सी ऑलमोस्ट took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. यानी कि आई टुक ए ट्रंक, मैंने एक ट्रंक लिया, ठीक है ना, आई टुक ए ट्रंक आउट देयर, मैं वहां पे ट्रंक लेके गया था एक बार, और लगभग उसने मेरी चमड़ी उधेड़ ली थी। टुक माई स्किन ऑफ का मतलब मेरी चमड़ी उधेड़ ली थी, बिकॉज क्योंकि आई डिडेंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग, क्योंकि मैंने उसके ट्रंक यानी कि उसके बक्से को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था,
ओके तो बॉक्स ऑफ एग का मतलब दिस इज अ फ्रेज वी कैन से दैट कि जिस तरीके से अंडों का जो बॉक्स को हम बहुत केयरफुली रखते हैं तो मैंने उसके जो ट्रंक था उसको केयरफुल तरीके से नहीं रखा था, इस वजह से उसने मेरी लगभग चमड़ी उधेड़ दी थी। टुक माई स्किन ऑफ का मतलब मुझे इस तरीके से बीट किया कि मेरी चमड़ी उधड़ जाती। सी अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एज अ कैट एंड सी श्योर कैन टॉक। ठीक है ना, वो 9 feet ऊंची थी, लंबी थी, 4 feet थी ना मोटी थी और बिल्ली जितनी तेज थी फुर्तीली थी एंड सी श्योर कैन टॉक और वो बहुत बात करती थी। आई विल बैट ओलिवर हियर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम और मैं इस बात का अनुमान मैं इस बात की शर्त लगा लीजिए, मतलब यहाँ पे बिल कह रहा है कि ओलिवर ने हमारे बारे में सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है एंड ही हैड गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट और वो अब अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे छुप गया हमसे बचने के लिए। वेल अच्छा वी विल ट्राई हर, हम एक बार उससे बात करेंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन आप मुझे इसे करने देना, मैं इसे बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। व्हाई यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, इस पे बिल कहता है कि ये काम आप मुझे ही करने देना। भाई आप यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको लॉ की भी जानकारी है, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, लेकिन स्वेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, द यूज ऑफ ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज। ठीक है ना, गलत वर्ड का यूज करना, तो बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन, यानी कि आपको गलत वर्ड अब्यूसिव वर्ड्स की सुनने की आदत नहीं होगी, उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आप बेहतर होगा कि यह काम मैं करूं। वी ड्रॉ इंटू ए पुअर फार्म यार्ड, हम एक पुराने से ठीक है ना एक फार्म यार्ड में गए, एक यार्ड में गए। वी वर फेस्ड बाय इनॉमरस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन और हमें एक बहुत ही विशाल काय और हस्ती भी एक बूढ़ी औरत मिली। माय गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा गाइड यानी कि यहाँ पे जो यंग गाइड उसका गाइड कौन है, बिल। बिल ब्रेवली उसके पास गया और कहा रिमेम्बर मी, आप मुझे याद कीजिए, आपको याद आया, आई एम बिल मैग्नसन, मैं बिल मैग्नसन द कार्टर एंड हैटमैन, सामान को नहाने ले जाने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड यूअर सन ओलिवर, मुझे आपके लड़के की तलाश है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर लिटकिंस एंड डोंट वॉन्ट टू सी शाउटेड, मैं अब यहाँ पे जो ओलिवर लिटकिंस की जो मदर है डेंजर लेडी वो कहती है कि मैं ओलिवर लिटकिंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, ठीक है ना एंड डोंट वॉन्ट टू, और मैं नहीं जानना चाहती। शी शाउटेड, वो जोर से चिल्लाती है। नाउ लुक हियर, अब इधर देखो, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, थी ना वियर कि आपने बहुत सारी नॉनसेंस कर ली है, हम मतलब वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हम काफी प्रॉब्लम झेल चुके हैं, काफी हम प्रॉब्लम सफर कर चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, इस यंग मैन को कोर्ट में कल प्रेजेंट होना है, ठीक ना, सिटी की कोर्ट में रिप्रेजेंट होना है, ठीक ना, एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ओलिवर लिटकिंस, और हमारे पास एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है कि हम ओलिवर लिटकिंस की प्रॉपर्टी की तलाश कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं उसे। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने मुझे ऐसा दिखाया कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट महसूस कराया कि मैं एक लीगल पर्सन हूं और मैं यहाँ पे एक नोटिस सर्व करने आया हूँ और उसके पास मेरे पास ये राइट है कि मैं ओलिवर लिटकिंस की प्रॉपर्टी को चेक कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, इस पर वुमेन भी काफी इम्प्रेस हुई, शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन की तरफ गई एंड वी फॉलोड, हम उसके साथ साथ चले, फॉलोड का उसका उसके साथ साथ उसका अनुसरण किया। सी सेज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टॉप एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, उसने किचन के स्टॉक में से एक पुराने स्टॉक में से एक आयरन की एक लोहे की छड़ पकड़ी एंड मार्च ऑनर्स और हम पे चिल्लाते हुए अटैक करने लगी। मार्च का मतलब यहाँ पे आगे बढ़ना एंड अटैक करना, ठीक है ना। यू सर्च ऑल यू वांट, तुम ढूंढ लो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न, लेकिन अगर आप पहले मुझसे जलने के लिए यानी कि उस आयरन स्टिक से जलने के लिए तैयार ना हो जाते, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अवर फ्रेटेन रिट्रीट, वो बहुत चिल्लाई मतलब वो शाउट चिल्लाई और हम पे हंसी हमारे डरे हुए मूव बैक को देख के, यानी कि
हमारे डरे हुए कर्म को देख के, क्योंकि हम वहां से बच रहे थे, यानी कि जो नरेटर है यंग लॉयर और बेल दोनों वहां से उससे अपने आप को बचा रहे थे, सेव कर रहे थे। लेट्स गे आउट हियर, अब हम यहां से निकल जाते हैं। तेना सी विल मर्डर अस, वो हमें मार देगी, बिल विस्पर बिल ने धीरे से कहा। किससे कहा? यंग लॉयर से कहा। आउटसाइड ही सेड, बाहर आओ उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी स्माइल देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, वह हम पे हंस रही थी। She was laughing at her humble seat. I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. और मैं इस बात से सहमत था कि बहुत ही disrespectful, ठीक है ना, अमानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ था। We did, however, search the house. लेकिन फिर भी हमने घर की तलाशी ली, search the house, घर की तलाशी ली। Since it was only one story high, ये केवल एक मंजिला ही ऊंचा था। Bill went around it. Bill इसके चारों ओर गया। Peered into the window, उसकी विंडो में से उसने देखा। वी एग्जामिन द बान एंड स्टेबल, हमने बान का मतलब क्या होता है कि अ प्लेस आउट हाउस फॉर एनिमल्स, यानी कि घर के बाहर जब जानवरों को रखने के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है, लाइक वी कैन से हमारे जो कैटल्स होते हैं, हैन कॉक, इन तरीके के एनिमल को रखने के लिए जो रखा जाता है बान। एंड स्टेबल, स्टेबल का मतलब जहां पे कि हॉर्स रहते हैं, ठीक ना। तो हमने देखा कि उसके घर के बाहर एक बांध था एनिमल्स के रहने के लिए, घरों को रहने का इस्तेमाल था। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, हम बिल्कुल तार्किक, हम बिल्कुल सही तरीके से, रीजनेबली का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल तार्किक रूप में, यानी कि हम बहुत श्योर थे कि लुटकिंस अब वहां पे नहीं होगा। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून, अब मेरे पास आफ्टरनून की ट्रेन पकड़ने का समय आ गया है, मेरे आफ्टरनून की ट्रेन यानी कि दोपहर की ट्रेन पकड़ने का समय आ गया है। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन की ओर ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, यानी कि पूरे रास्ते पर सिटी के लिए जो पूरे रास्ते पर मैं आई वरीड वेरी लिटिल, यानी कि मैं अपने फेलियर पे, असफलता पे बहुत ही कम चिंतित था कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नेशन, बल्कि मैं किस में बिजी था, बिल मैग्नेशन के बारे में सोचते हुए बड़ा बिजी था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ, और वास्तव में मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा न्यू मिलियंस में आके अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। If I had found Bill so deep and deeply human, मैंने बिल को, अगर मैंने बिल को बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई से, या बहुत ही deeply human, यानी कि बहुत ही अच्छे पर्सन के तौर पर नहीं पाया होता, might I not grow to love face and Gustav and 100 others, slow spoken, simple, wise neighbor, तो मैं फ्रेज, गस्ताफ और सैकड़ों धीरे बोलने वाले, सीधे साधे, समझदार नेबर्स, उसके पड़ोसियों के बारे में नहीं जान पाता। आई पिक्चर एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लॉ फर्म, और मैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय और लॉ फर्म के स्ट्रिक्ट लिमिट या डिसिप्लिन से परे एक खुशनुमा, ईमानदार और खुशनुमा जीवन के बारे में सोच रहा था। मीन्स यहाँ पे जो लॉयर है, जब वो ओलिवर लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता, तो जब मैं वापस आता है तो रास्ते में वो ये नहीं सोचता कि उसे ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला, वो फेल हो गया, बल्कि वो ये सोचता है कि मुझे कितना अच्छा पर्सन मिला, बिल मैग्नेशन, जिसने मेरी काफी हेल्प भी की, और वहां अगर मैं बिल मैग्नेशन मुझे नहीं मिलता तो मैं यहाँ के लोगों के बारे में नहीं जान पाता, फेस के बारे में नहीं जान पाता, गस्टफ के बारे में नहीं जान पाता, जो स्लो स्पोकन, जो सिंपल सीधे साधे लोग, और इसके बुद्धिमान जो पड़ोसियों के बारे में नहीं जान पाता। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता था कि मैं यहाँ पे आके अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूं। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ही उत्सुक था। आई फाउंड ए ट्रेजर, मुझे एक खजाना सा मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और मैंने जीवन का एक नया तरीका खोज लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन अगर ओलिवर लुटकिंस के बारे में मैंने नहीं सोचा था तो ऑफिस ने तो सोचा था, क्योंकि उन्होंने मुझे काम दिया था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने पाया कि सारे मुझसे बड़े ही नाराज थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगली सुबह केस कोर्ट में आना था। एंड दे हैव टू लुटकिंस, और उन्हें ओलिवर लुटकिंस चाहिए था। आई वॉज शेमफुल यूजफुल फूल, और मैं बहुत ही शर्मिंदा और बिल्कुल ही बेकार बेवकूफों की तरह वहां खड़ा था। दैट्स मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट
came to an end before it had begun. और उस समय मेरा जो अच्छा खासा promising का मतलब है एक prominent एक अच्छा सा legal career था जो वो शुरू होने से पहले ही और खत्म होने वाला था. The chief almost murdered me. ठीक ना, यानी कि जो मेरे चीफ थे जो मेरे हेड थे लगभग उन्होंने मुझे मार ही दिया था. He hinted that I might do well at digging it. उन्होंने मुझे हिंट दिया, उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई मैं जो काम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ डिचेज का मतलब होता है गड्ढे खोदना या ड्रेन्स या नालियां खोदना या गड्ढे खोदने का ही काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ. ठीक है ना, दे टॉन्टेड द यंग लॉयर, उन्होंने उस यंग लॉयर को टॉन्ट किया बिकॉज he would not able to present Oliver Lutkins in front of the court. ठीक है ना, I was ordered back to New Millions. मुझे दोबारा ऑर्डर दिया गया New Millions जाने के लिए. And with me went a man who has worked with Lutkins. और मेरे साथ एक आदमी को भेजा गया जो कि already Lutkins के साथ काम कर चुका था. I was rather sorry, मुझे बड़ा अफसोस था because it would prevent my laughing all over again with Bill. कि ये मेरी laughing का मतलब क्या होगा, spend idle time. यानी कि जो मैंने स्पेशल यानी कि बिल के साथ जैसे मैंने आइडियल टाइम स्पेंड किया था, अब मैं वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ तो कोई पर्सन है. ठीक है ना, व्हेन द ट्रेन अराइव एट न्यू मिलियंस, और जब ट्रेन न्यू मिलियंस में पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार. ठीक ना, बिल अपनी गाड़ी के पास प्लेटफॉर्म में स्टेशन में प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था. Strangely enough that the old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not cuddling at all. ठीक ना, बड़ी अजीब बात थी कि जो पुरानी जो बूढ़ी शेरनी थी, टिग्रेस का मतलब शेरनी थी, शेरनी मतलब वो डेंजर लेडी, ओलिवर लुटकिंस की जो मदर थी डेंजर लेडी, लुटकिंस की मदर और उससे हंसते हुए बात कर रही थी, हंस रही थी बिल के साथ और नॉट क्वरलिंग एट ऑल, और वो आपस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रहे थे. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माय कंपेनियन सेड, ट्रेन की सीढ़ियों में से मैंने बिल की तरफ पॉइंट करते हुए अपने कंपेनियन को बताया और कहा, देयर वाज ए फाइन फेलो ए रियल मैन, कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही सच्चा आदमी है. आई स्पेंड अ डे विद हिम, मैंने पूरा दिन इसके साथ बिताया. ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लुटकिंस. अब इस पे जो कंपेनियन यानी कि यंग लॉयर के साथ जो नया पर्सन किया था, जो ऑलरेडी ओलिवर लुटकिंस के साथ जिसने काम किया था, वो उससे पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हारी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की है. यस ही हेल्प मी अ लॉट. इस पे जो यंग लॉयर वो खुश होकर बोलता, हाँ इसी ने मेरी बहुत मदद की है. ही मस्ट हैव, उसने तुम्हारी मदद की ही होगी, ही लुटकिंस हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस है. That is the mystery of this chapter, कि जो हैब ड्राइवर है वही ओलिवर लुटकिंस था जो कि यंग लॉयर को पूरा विलेज मूव कराता है, उसे पूरा बेफूल करता है, उसको पूरा बेवकूफ बनाता है. ओके, वट रियली हर्ट मी वॉज दैट वेन आई वॉज सर्व द समन लुटकिंस एंड हिज मदर लव एट मी एज द आई वॉज ए ब्राइट बॉय ऑफ सेवन. कि मुझे किस चीज ने ज्यादा हर्ट किया, कि जब मैं वो सम्मान उनको दिया मैंने, लुटकिंस और उसकी मदर मेरे पे हंस रही थी जैसे कि मैं कोई 7 साल का बच्चा हूं. ओके, ठीक ना, विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू ए नेबर हाउस फॉर ए कप ऑफ टी. और उन्होंने बड़े ही दयालु भाव से मुझसे याचना की, मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ, कि मैं उनके साथ उनके नेबर्स के यहाँ घर में, उनके पड़ोसी के घर में एक कप कॉफी पीने चलूं. आई टोल्ड देम अबाउट यू. इस पे जो बिल बोलता है कि आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे वर एनिशियस टू लुक एट यू, कि मैंने आपके बारे में उन्हें बताया और वो बहुत ही उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए. सैड लुटकिंस जॉयफुली, लुटकिंस ने बड़े खुश होते हुए कहा, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे. और वो सिर्फ अकेले ही लोग हैं जो कि इस टाउन में अकेले लोग रह गए जो कि तुम्हें कल देख नहीं पाए थे. ओके, तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस चैप्टर्स. ओके, एज यूजुअल यू हैव टू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर्स अलोंग विद दैट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन वॉच द वीडियो रिपीटेडली मोड. ओके, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.